नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। खबर चंपावत से है, जहां भाजपा प्रत्याशी ने प्रेस वार्ता में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी और संघ के पदाधिकारियों ने उनके साथ धोखा और भीतरघात किया है। ये खबर उठते ही पार्टी में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, जिलाध्यक्ष दीपचंद्र पाठक ने अपना बयान जारी करते हुए भीतरघातियों पर कार्रवाई करने की बात की है। आदरणीय विधायक जी ने आज कहा है कि कुछ संगठन के लोगों ने काम नहीं किया है, और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर काम नहीं किया होगा और विधायक जी उसे प्रमाणों के साथ बताएंगे, तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई करने के लिए हम प्रदेश नेतृत्व को जल्द से जल्द अवगत कराएंगे। और मुझे लगता है कि हमने जो चुनाव लड़ाया है बहुत अच्छा लड़ाया है। कोई अपवाद स्वरूप संगठन का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन मुझे जो विश्वास है कि हमारे संगठन ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी ताकत के साथ चंपावत जनपद में चुनाव लड़ाया, और हम दोनों सीटों को ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। माघ पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने दान किया और भोजन कराया। वहीं गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ से बाजार में व्यापारियों के चेहरे की रौनक भी लौट आई। कोरोना की तीसरी लहर में मंदी की मार झेल रहे व्यापारियों, बाजार में लौटी रौनक से राहत की सांस ली। वहीं तीर्थ पुरोहित उज्ज्वल पंडित ने बताया कि हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा सबसे पवित्र दान माना जाता है। आज के दिन श्री हरि विष्णु गंगा में वास करते, इसलिए देश भर के श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं। माघ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्मावलंबियों के लिए सबसे पवित्र दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 12 मास में से माघ मास की पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु पवित्र गंगा में वास करते हैं। इसलिए हिंदू धर्मावलंबी गंगा जी के विभिन्न तटों पर और विशेष रूप से हरिद्वार, हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड पर गंगा में स्नान करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के इस पवित्र दिन गंगा में स्नान करना, सूर्य को अर्घ देना एवं ब्राह्मणों को दान देना 1000 से ज्यादा अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य के फल के बराबर होता है। ऐसी मान्यताओं को ही मानते हुए यहाँ हिंदू धर्मावलंबी लोग गंगा में स्नान करते हैं, गर्म कपड़ों का दान करते हैं, तिल का दान करते हैं, तिल से बनी हुई वस्तुओं का दान करते हैं। उत्तराखंड की राजधानी से लगी तहसील विकास नगर क्षेत्र में सरकार ने गढ़वाल मंडल विकास निगम को कई खनन पट्टे आवंटित किए हैं, लेकिन इन खनन पट्टों पर से स्थानीय जनता को महंगी खनन सामग्री उपलब्ध हो रही है। आज विकास नगर तहसील क्षेत्र के भीमावाल नावघाट यमुना नदी तट पर गढ़वाल मंडल खनन पट्टे पर स्थानीय ट्रैक्टर डंपर खनन कारोबारियों ने खनन सामग्री महंगी होने के कारण अपना आक्रोश व्यक्त किया और गढ़वाल मंडल विकास निगम व संबंधित खनन पट्टी स्वामी के खिलाफ नारेबाजी की। खनन कारोबारियों का कहना है कि नावघाट पर खनन पट्टी स्वामी मनमाने रेट पर खनन सामग्री बेचने का काम कर रहे हैं, जिससे स्थानीय जनता को महंगा खनन उपलब्ध हो रहा है। ये है जी, यहाँ पे लोकल आदमी जो कि धूल धड़ंगा बाढ़ सब कुछ हम झेलते, जमीन हमारी कट रही है जमुना में, तो उनके लिए सस्ता होना चाहिए ना। यहाँ पे ये सस्ता नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। 1000 रुपए का जुर्माना कर दिया, 1000 रुपए का इन्होंने रवाना कर दिया है। छड़ाई भराई महंगी, तो लोकल आदमी को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, हमें कोई ऐतराज नहीं है, बाहर वालों के लिए जो मर्जी करो, लेकिन लोकल आदमी के लिए कितना महंगा, कितना होना, 1000 रुपए कर दिया जी इन्होंने पर चक्कर। कितना होना चाहिए? 1200 और 600। अच्छा, 1000 या 600 जाए। अच्छा, तो लोकल आदमी के लिए कुछ तो फायदा हो। जब हम नदी नाले का जो गंद फंद है सब हम झेल रहे हैं, तो कम से कम फायदा तो मिले, रोजगार तो मिले यहाँ के लिए। हमारी जमीनों में ट्रैक्टर चल रहे हैं, ट्रैक्टर इन हमारी जमीनों में को जाते हैं, सब कुछ हमारा है, और फिर उसके बाद भी हम इतना ज्यादा रवाना पेड़ कर रहे हैं, तो फिर तो दिक्कत है। पहले से माल डालते आ रहे हैं, तो उन साइड वाले से हम ये थोड़ी ना कह देंगे कि आप रेट यो हो गया, क्या अब रेट यो डाल लेंगे हम लोग। वो हम लोगों को काम नहीं देंगे। बाहर के लोग आके यहाँ काम करेंगे, और लोकल विकास नगर स्थानीय लोग वो काम नहीं कर पाएंगे। हर चीज की सड़कें हमारी टूट रही, सब कुछ हमारा हो रहा है। इंतजार हम लोग करेंगे कि नदी कब खुलेगी, हम कब काम करेंगे। 6-6 महीने हम लोगों को घर में पड़े हुए हो जाते हैं। क्या हम टैक्स दे रहे हैं ट्रैक्टरों का, ड्राइवरों की तनख्वाह है, सब कुछ है, उसे कहाँ से हम लोग पूरा करेंगे? क्या चाहते हैं जैसे? हम ये चाहते हैं जैसे पहले व्यवस्था थी हम लोगों की, 1500 रुपए का रवाना करें दूसरा राउंड, चाहे वो 600 रुपए का कर दें रवाने का,
हम उसे झेल लेंगे। आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति रहेगी, हमारा आंदोलन तैयार रहेगा और हम लोग संबंध में तहसील एसडीएम एसडीएम साहब को हम इस चीज का ज्ञापन देंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां के शिवदासपुर तेली गांव में 645वीं रविदास जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई, जिसमें सभी क्षेत्रवासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपको बता दें, समारोह में महान गुरु रविदास जी के सत्य वचन और उनके द्वारा सिखाए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे गांव में सभी बिरादरी से सहयोग मिलता है, इसी तरह हर वर्ष हमें सभी बिरादरी से संदेश सहयोग मिलता रहे, इसी तरह खुशियों के साथ में हमारी जयंती की शोभा यात्रा निकलती रहे। देखिए, आज गुरु महाराज जी का 664वां जन्म दिवस है और इसे हर वर्ष की भांति सौर समाज ऐसे ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है। हमारे भगवान रविदास जी की जो जयंती है, ये प्रत्येक वर्ष बड़े उल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं और मैं भविष्य में भी अपने सौर समाज से कामना करूंगा कि ऐसे ही हर उल्लास के साथ इस त्योहार को आगे बढ़ाते रहें। देश में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे करके कम हो रही है। कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी को देखते हुए उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया। साथ ही राज्य में 1 मार्च से आंगनबाड़ी केंद्रों को खोल दिया जाएगा और शासन की ओर से जारी एसओपी के अनुसार कुछ रियायतें दी गई हैं, लेकिन साथ ही कुछ प्रतिबंध अभी भी जारी रहेगी। इसी के साथ लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की गई है। हल्द्वानी पीबीजी कॉलेज में नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर 1008 ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। स्ट्रांग रूम 24 घंटे पुलिस और पैरामिलिट्री के निगरानी में है। जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज गबलियाने ने बताया कि जिले में 108 ईवीएम मशीन 3 लेयर की सुरक्षा में रखी गई है, जिनकी सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है। जिले में 5000 से अधिक पोस्टल बैलेट दिए गए थे, जिनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। साथ ही आर्मी में तैनात जवान भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पोस्टल बैलेट भेज रहे हैं। उसमें देखिए, 24 घंटे निगरानी में रहता है और सीसी कैमरे हमारे वहां पे लगे हुए हैं और पूरा कंट्रोल रूम बनाया, पुलिस अपना कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग करती है और पैरामिलिट्री फोर्स जो है उसकी सुरक्षा करती है। तो इसलिए अगर किसी को भी लगे कि कुछ भी हो सकता है तो संभावना नहीं के बराबर है। और इससे जब स्ट्रांग रूम अगर हम लोगों ने सील किया है, उससे पहले जितने भी कैंडिडेट्स हैं सारे विधानसभा उनको सूचना दी गई है और जितने कैंडिडेट आए थे तो उनके समक्ष ही और ऑब्जर्वर के उपस्थिति में सारे आरओज ने अपना सारे स्ट्रांग रूम को सील किया है। उसमें देखिए, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मतदान के अंतिम आधिकारिक आंकड़े मंगलवार को भी जारी नहीं हो पाए। इसका मुख्य कारण अभी तक सभी पोलिंग पार्टियों का वापस नहीं लौट पाना है, जबकि 169 पोलिंग पार्टियों के लौटने का इंतजार किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा सोमवार को 65.10% मतदान का अनंतिम आंकड़ा जारी किया गया है। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर्स टर्नआउट ए अनुमति मतदान प्रतिशत 64.29% किया गया है। वहीं इस दौरान राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आने वाली पोलिंग पार्टियों से निरंतर संपर्क किया जा रहा है, उनके आने के बाद दस्तावेजों की स्क्रूटनी की जाएगी, इसके बाद ही अंतिम मतदान प्रतिशत निकाला जाएगा। विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर 11 फरवरी को बंद भारत नेपाल सीमा मंगलवार को खोल दी गई है। इससे पिथौरागढ़ व चंपावत जिलों के नेपाल सीमा में लगे बाजार व कस्बों में चहल पहल भी बढ़ गई है। दोनों देशों के बीच व्यापार भी पूर्व
की भांति शांति रूप हो गया है। 11 फरवरी को भारत नेपाल को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल व मोटर पुल बंद हो गए हैं। आवाजाही बंद होने से तो नेपाल ग्राहकों पर निर्भर भारतीय बाजार व कस्बों में भी वीरानी छा गई है। पिथौरागढ़ जिले में 7 झूला पुल, सीता पुल, एलागाड़, धार चूला, बलुआ कोट, जौलजी भी डेटा और झूला घाट है। वहीं चंपावत में बनबसा व टनकपुर में मोटर पुलों में आवाजाही होती है। मामला धनौरी क्षेत्र के उत्थान का है, जहां आम आदमी के वृक्षों को काटने के लिए विभाग विशेष परमिशन की हासिल करना होता है, लेकिन वन माफियों ने बिना अनुमति के ही आम के हरे भरे पेड़ काट दिए और उनकी जड़ों को मिट्टी में ढक दिया, जबकि कई अन्य आम के पेड़ों को काटने के बाद उन पर आग लगाकर जला दिया गया। वहीं उद्यान अधिकारी का कहना है कि जो ये आम के पेड़ काटे गए हैं वह बिना अनुमति के काटे गए हैं और इस मामले की जाँच के बाद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुतारगंज के ग्राम सिसई पर एक कार और एक बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार लोगों को मामूली चोट आई, जबकि बाइक चालक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद बाइक सवार युवक को आनन फानन में CHC भर्ती कराया गया, जहां मामूली इलाज के बाद युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। है जिनकी आयु लगभग 28 वर्ष है और गुठा के निवासी हैं, उन्हें चोटिल अवस्था में हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज लाया गया था और चिकित्सकीय एग्जामिनेशन में ये पाया गया कि उनके सर में और पैरों में चोट थी। सर में थोड़ा सा गंभीर चोट थी, जिस कारण से इन्हें उपचार हेतु सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है और यहाँ यथासंभव उनको प्राथमिक उपचार दिया गया। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।